हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेल्दी मूंग दाल का सैलड बनाएंगे। आप इसे चाट भी बोल सकते हैं। तो चले दिखाते हैं आपको कैसे बनती है मूंग दाल की चाट। मूंग दाल को अच्छी तरह धो के तो इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है मैंने, कवर करके रख। अभी 5 घंटे के बाद हम दाल को एक कॉटन के कपड़े में निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह टाइट बांध के, मोटा कॉटन का कपड़ा लेना है आपने, ध्यान रखना कि 1 दिन के लिए हम इसे ना छोड़ देंगे। तो 1 दिन में अच्छे स्प्राउट निकल जाते हैं। जो थोड़ा पानी लगा के गिल्ला करके इसको रख दो थोड़ी, मत 1 दिन के लिए पूरा। तो 1 दिन के बाद देखो ऐसे निकलते हैं। आप चाहें तो 2 दिन भी रख सकते हैं। तो अभी ये देखो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। तो 1 दिन में अच्छे निकले हैं। 2 दिन रखोगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मैं तो 1 ही दिन रखती हूँ। तो अभी एक मैंने पैन में पानी डाला 1 गिलास और स्प्राउट। आप इसको लाइक 2-3 मिनट के लिए बॉयल कर लो। थोड़ा नमक डालो, थोड़ी सी हल्दी, और इसको अच्छा बॉयल आने दो। तो इससे क्या है, थोड़ा क्रंचीनेस भी रहता है और गल भी जाते हैं। पानी को अभी मैंने ड्रेन कर लिया, थोड़ा इसको ठंडा होने के लिए रख दो। इसको प्लेट में अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ चाट बनाने के लिए। तो देखो कितने ठंडे हो गए, अच्छे कलर कितना अच्छा आया है। थोड़ा हल्दी डालने से ना कलर अच्छा आता है। ये प्याज डाल लिया मैंने काट के इसमें छोटे पीस करके, और ये बॉइल्ड आलू है 1/2 कटोरी, ये टमाटो है 1/2 कटोरी, और ग्रीन चिल्ली है ये, और ये खीरा है काट के मैंने डाला 1/2 कटोरी, ये थोड़े से अनार के दाने हैं। ये टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इस ज़्यादा चाट में। थोड़ा नमक डाल लो ऊपर, ये थोड़ा सा ग्रीन धनिया मैंने, और ये चाट मसाला अच्छी तरह मिक्स करके। तो अभी ऊपर से मैंने ये चटनी बनाई है, तो चटनी डालो थोड़ी सी, और थोड़ा सा नींबू डाल के पूरा अच्छी तरह से अभी इसको हम लोग ये मिक्स कर लो। तो ये खाने के लिए रेडी है। एक बार बना के देखो, बहुत आपको पसंद आएगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोग कैसे बनाते हो। सैलड भी है और चाट भी है, लाइक जैसे मर्जी खाओ, बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप कैसे बनाते हो चाट।